नमस्ते। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारी फिल्म तैयार हो गई और कल थिएटर में लग रही है। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि बहुत प्यार और मोहब्बत से हमने ये फिल्म बनाई है और हमें उम्मीद है कि ये फिल्म आपके दिलों को छुएगी उसी तरह जैसे हमारे दिलों को छुई है जैसे जब हमने बनाया है। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है ये कह के कि अद्वैत ने ये फिल्म इतनी बखूबी डायरेक्ट की है। जो हमारे जहन में फिल्म थी वो उसको एग्जैक्टली वैसे बना पाए हैं। एंड इट्स अ फिल्म, आई एम वेरी प्राउड दैट इट्स अ फिल्म अबाउट लव। इट्स अ फिल्म विच स्टैंड्स फॉर लव। आई एम वेरी प्राउड दैट इट्स अ फिल्म दैट शोज़ आर ब्यूटिफुल इंडियन कल्चर। आई एम वेरी प्राउड दैट इट्स अ फिल्म दैट शोज़ द वर्ल्ड, क्योंकि ये फिल्म पूरी दुनिया में देखी जाएगी और बहुत ही काफ़ी बड़ी रिलीज़ मिल रही है उसको विदेशों में भी। तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसी फिल्म पेश करेंगे दुनिया को जिसमें कि हम हिंदुस्तान की खूबसूरती दिखाएं, हिंदुस्तान का कल्चर दिखाएं और हमारी सभ्यता दिखाएं। सो आई थिंक दैट ऑन द ईव ऑफ द रिलीज़ ऑफ द फिल्म, कल फिल्म लगने वाली है, हम सबको बड़ी खुशी महसूस होती है और बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो हम अपने ऑडियंस को बहुत उम्मीद के साथ उनके सामने पेश कर रहे हैं। और पूरी दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं कि हमने जो कोशिश की है हमें उम्मीद है कि उनको पसंद आएगी। और बाकी क्या पता हम में है कहानी या है कहानी में हम नहीं। बस सिर्फ एक लाइन कि हमारे खूबसूरत देश की ये खूबसूरत कहानी है जो एक खूबसूरत इंसान के ज़रिए हम कह रहे हैं, जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। तो ज़रूर आइए और देखिए हमारे लाल सिंह चड्ढा की कहानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहले तो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड वी रियली रियली मेड दिस फिल्म विद अ लॉट ऑफ लव। ये फिल्म हमने बहुत प्यार से बनाई है। बहुत साल लग गए, दो पैंडेमिक आकर गए और अब जब सिनेमाज खुल गए हैं और लोग अब फिल्म देखने को आ रहे हैं तो हम बहुत ही उत्सुक हैं, जानना चाहेंगे कि लोगों को कैसे लगी। बहुत वक्त के बाद हम फिल्म ला रहे हैं आपके पास, आप ऑडियंस को दिखाने, और हमारी उम्मीद ये है कि लोगों को अच्छी लगेगी। वी ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक वायाकॉम एंड पैरामाउंट, ऐसे अच्छे पार्टनर्स रहे हैं, हर कदम हमारे साथ रहे हैं। अजीत स्पेशली हमारे बिगिनिंग से एंड तक हमारे ही साथ रहे हैं। आई थिंक वायाकॉम को बहुत, उनको बहुत मिस कर रहे होंगे वो आमिर खान प्रोडक्शंस का एक हिस्सा बन गए हैं। पर ये फिल्म प्यार से बनी है, आप सब आकर देखें एंड उम्मीद ये है कि आपको अच्छी लगेगी। तलाश और थ्री इडियट्स के बाद आमिर के साथ काम करने का मौका मिला इन सच अ स्पेशल फिल्म। इतनी खूबसूरत कहानी अतुल जी ने लिखी। जब मैंने नरेशन सुना तो आई कुडंट स्टॉप माई टीयर्स। आई रिमेंबर अद्वैत, यू वर देयर विद मी एंड आई थिंक इतनी सारी कहानियाँ सुनी मैंने, इतनी सारी फिल्में की, बट आई थिंक पहली बार नरेशन में आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ एंड आई हैव डन दिस फिल्म एक्चुअली इस कहानी के वजह से, इस कैरेक्टर के वजह से। जस्ट द फैक्ट दैट इतनी इंटेंस लव स्टोरी आई थिंक इतने साल बाद आ रही है। आई थिंक आमिर इज़ नॉट ऑल्सो डन अ लव स्टोरी इन अ लॉन्ग टाइम। So all his fans and all our fans who are waiting to see us, I think this is the perfect treat for them. Already internationally itna pyar mil raha hai, reviews itne acche hain, and our fingers are crossed of course, and yeah, it's all yours now. But and I'm quite sure that sabko bahut bahut pasand aayegi film. So thank you so much guys, and I think आप लोगों की प्रार्थनाएं चाहिए हमें। मैं नॉर्मली बहुत स्ट्रेस्ड होता हूँ रिलीज़ के पहले, किरण जानती है मैं, और इस दफ़ा भी एक महीने से मुझे नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आज मैं सुबह गया था और दरबार साहब गोल्डन टेंपल, और वहाँ जाने के बाद मुझे इतना सुकून महसूस हुआ है कि अब मुझे लगता है कि जैसा होगा ठीक ही होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। एक्चुअली आई फील रियली लकी राइट नाउ। आई फील लाइक आई थिंक आई एम द लकीएस्ट डायरेक्टर
in a very long time. Firstly, I got a film like Forrest Gump, already a classic. Phir Atul sir ki script, Lal Singh Chadda ki script. Script padhte hi hame pata tha ki it's a winner. A producer like Aamir Khan Productions, Kiran ma'am was with me all the time. And then I had actors like Aamir Khan, Kareena Kapoor, Naga Chaitanya, Mona Singh. So I really feel like I got everything on a platter, and thank God, thank the universe. Yesterday there was a screening for the Defence Forces, and I was watching the audience ko, and they were watching with a smile throughout. And that was just such a nice feeling that they were making so many people smile. I'm really holding on to that moment right now. सबने जैसा लड़ी कह दिया है. देखिए, पहली बात तो ये कि ईद, दिवाली और आमिर खान कहते हैं कि साल में एक बार आते हैं, तो ईद तो आपने मना ली, दिवाली मना ली, आमिर खान मनाने का वक्त अब 4 साल के बाद आया है. तो आई थिंक ये वो मौका है जब वी शुड बी सेलिब्रेटिंग आमिर खान. ये एक कारण है. दूसरा कारण कि देखिए, इतनी कल्ट क्लासिक जो है फॉरेस्ट गम, जिसको ऑस्कर्स से नवाजा गया है, उस फिल्म को अडेप्ट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, इसके लिए एक हिम्मत चाहिए और एक इसके लिए एक सच्चाई चाहिए. और आई थिंक ये सच्चाई इस फिल्म में पूरी तरह से उतर के आई है, और आई थिंक यही सच्चाई इस फिल्म को लोगों के दिलों तक लेकर जाएगी. आमिर का ख़ास शुक्रिया कि उन्होंने जो अपना 14 साल पुराना सपना देखा था, उसमें हमें एक मौका मिला एक रोल प्ले करने का, एक रोल अदा करने का, उस सपने को आगे बढ़ाने का. और जैसे किरण ने कहा कि अब तो एक परिवार हो गया है, 4 साल से हम लोग इस सफ़र में हैं. अद्वैत को जितनी मेहनत करते हुए मैंने देखा है, मुझे लग रहा है कि उनको देखकर ही मेरी उम्र कुछ बढ़ गई है. अतुल के बारे में मैं क्या कहूँ, उनकी इस फिल्म के ज़रिए हमने उनका एक नया आयाम देखा, एक नया डिमेंशन. इनको बखूबी एक्टर के तौर से हम जानते ही हैं, पर इन्होंने जो कमाल इसमें किया है वो आप फिल्म में देखेंगे. तो बस वही सच्चाई, वही प्यार जो इस फिल्म में है, वही ये फिल्म ढूंढ रही है, और मुझे लगता है ये आप सबसे मिलेगा. थैंक यू. सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन.